हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है सॉसी बेक्ड वेजिटेबल्स चीज़ी स्टाइल। ये एक बहुत ही रिच सी रेसिपी है जिसमें हमने वेजिटेबल्स और चीज़ का यूज़ किया है और चीज़ और सॉस पड़ी है इसमें, इसलिए बच्चों को तो यकीनन बहुत ही पसंद आती है ये। और अगर कोई आपके घर डिनर लंच पे आ रहा हो तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी सी और रिच सी रेसिपी है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेक्ड वेजिटेबल चीज़ी स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी वाइट सॉस, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बटर, वाइट बटर भी ले सकते हैं आप, सॉल्टेड बटर भी, और 1 कप हमने दूध लिया है, और थोड़ा सा 2-2 पिंच हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है और गैस को बिल्कुल सिम पे कर दिया है। अब हमने जो बटर लिया था उसको हम इसमें डालकर हल्का सा मेल्ट होने देंगे। पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिम पे ही रखिएगा इसको, और बटर को बस मेल्ट कर लीजिए, और उसके बाद हम इसमें अपना मैदा डालेंगे। बटर को पूरी तरह से मेल्ट होने दें। ये बटर करीब करीब मेल्ट हो गया है, गैस हमारी सिम पर ही है। अब हम ये अपना मैदा इसमें डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े और ये थोड़ा सा इस बटर में भुज जाए, मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इस सॉस, वैसे तो ये एक क्रीमी सॉस सी बनती है, कई बार इसमें बनाने में प्रॉब्लम होती है तो लम्स भी पड़ जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको छान के भी सॉस को यूज़ कर सकते हैं। इसको 1-2 मिनट तक मैदे को भून लें और फिर सिम पे ही हमने जो मिल्क लिया है उसको धीमे धीमे करके डाल दीजिए और चलाते रहिए। इसको चलाते रहेंगे तो जितना भी मैदा और बटर वगैरह है वो सब मिल्क में घुल जाएगा, और इसको हल्का सा थिक होने तक 3-4 मिनट तक हम इसको चलाएंगे, जब तक कि हमारी सॉस हल्की से थिक नहीं हो जाती। ये देखिए सॉस हल्की हल्की थिक होने लगी है। इसमें हम 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। ये देखिए सॉस हमारी बहुत क्रीमी सी ये वाइट सॉस तैयार हो गई है, ये थिक हो गई है, बस अब हम इसको बंद कर देंगे। और ये हमारी बेक्ड वेजिटेबल्स के लिए सॉस तैयार है। वेजिटेबल्स के लिए जो हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो हमने ये कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। ये हमने करीब 1-1.5 गाजर जिसको हमने छोटी काटा हुआ है, करीब 3-4 टेबलस्पून हमने ये कॉलीफ्लावर ली है, 3-4 टेबलस्पून हमने शिमला मिर्च कटी हुई, स्प्रिंग अनियंस 3-4 टेबलस्पून, कैबेज इसको भी हमने 3-4 टेबलस्पून लिया है, थोड़े से ये बीन्स लिए हैं, और इसके अलावा हमने 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक और थोड़ी सी हरी मिर्च स्लिट करके ली हुई है, जो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये हमारी वाइट सॉस है जो हमने बनाई थी। थोड़ी सी ऊपर से टॉपिंग के लिए हमने ये चीज़ स्लाइस लिए हैं 3-4, और मोज़रेला चीज़ भी लिए है, आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। बाकी मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। और हमें अगर थोड़ी सी इसमें सॉस डालनी है तो उसके लिए हमने थोड़ी सी सॉसेस ली हैं, 2 टेबलस्पून ये हमने टोमेटो सॉस ली है, और 1 टेबलस्पून हमने ये चिली सॉस जो रेड चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, और 1/2 टेबलस्पून हमने ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ली है। तो अगर आपको वाइट सॉस में वेजिटेबल्स चाहिए तो आप सिर्फ वाइट सॉस में बना लीजिए, और थोड़ा सा आपको सॉस का फ्लेवर चाहिए तो आप ये सारी सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे और इसमें करीब 1/2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें भी हमने जो जिंजर गार्लिक और चिली ली है उसको डाल देंगे और थोड़ा सा सॉटी करेंगे। थोड़ा सा ये हल्का हल्का ब्राउन सा कलर हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालनी शुरू करेंगे इसमें। इसमें हम
ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें। सिर्फ हम ये स्प्रिंग अनियन और कैप्सिकम नहीं डालेंगे, उनको हम बाद में डालेंगे। आप वेजिटेबल्स को हल्का सा बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं या माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट तक हल्का सा गला लें उनको, पर मुझे सॉटे करके थोड़ा सा टेस्ट और बेटर लगता है, तो मैं इसको सॉटे करके फिर बेक करूँगी। इसमें आप हल्का सा इस टाइम पे नमक और ब्लैक पेपर भी डाल दीजिए। इनको हम 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। ये गोभी वगैरह थोड़ा सा टाइम लेती है हल्का सा गलने में, तो इसको हम 2 से 3 मिनट ढक देंगे। ये हमारे करीब 4 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन को खोल के इनको हल्का सा चलाकर जो हमारी शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियंस हैं उनको भी डाल देंगे और इसको फिर 1 मिनट के लिए ढक देंगे। शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियंस जल्दी हो जाती हैं, इसीलिए हमने इनको बाद में डाला है। अब 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए पैन को फिर ढक दीजिए। ये हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं स्प्रिंग अनियंस और शिमला मिर्च डालें। इसमें आप अपनी पसंद की और सब्जियां भी डाल सकते हैं और ऐसे सॉटे करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने जो व्हाइट सॉस ली थी उसको हम इसमें मिला देंगे। गैस को बंद कर दीजिए और व्हाइट सॉस हम इसमें डालकर बाकी जो हमारे चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके अब हम बोल में निकालेंगे। ये जो हमने व्हाइट सॉस और ये वेजिटेबल्स मिक्स करी है उनको हम अब बोल में निकाल लेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद जो हमारी ये सारी सॉसेस हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमें जितनी सॉस चाहिए कि वो हम यूज़ करेंगे। इनको हम मिक्स करके इस पर एक लेयर स्प्रिंकल कर देंगे। आपको केवल व्हाइट सॉस में चाहिए तो आप उसको ऐसे ही रहन देकर बेक कर सकते हैं, और थोड़ा सा सॉसी फ्लेवर चाहिए तो आप इसको सॉस को थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर, आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर अच्छी सी क्वांटिटी में डाल लीजिए। प्रोसेस चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, मुझे चीज़ स्लाइस का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं इसको चीज़ स्लाइस से कवर कर रही हूँ। ये हमने 4 चीज़ स्लाइस लिए थे, चारों को हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये हमने मोज़रेला चीज़ ली हुई है, प्रोसेस चीज़, मोज़रेला चीज़, जो भी चीज़ आपके पास हो अच्छी सी क्वांटिटी में इसके ऊपर करके अब हम इसको माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट तक बेक करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो और भी स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए। अब ये हमारा बेक वेजिटेबल चीजी स्टाइल बेक होने के लिए तैयार है। ये हमारी बेक वेजिटेबल्स हो गई हैं, ये 4 मिनट हमने माइक्रोवेव में रखा था। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और आप स्प्रिंग अनियन से भी गार्निश कर सकते हैं हल्का सा। और ये हमारी खाने के लिए एकदम तैयार है। आप ये सब्जियां ऐसे भी खा सकते हैं, पराठा, नान, जिससे आपका मन करे उसके साथ खाइए। एकदम मुंह में पानी आने वाली रेसिपी है ये, इतनी चीज़ पड़ी है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। ये हमारी बेक वेजिटेबल्स एकदम तैयार है। इसको आप निकाल के ये देखिए कितने अच्छे से वाइट सॉस में, ये देखिए एकदम टेस्टी सा आपका ये बाइट आ रहा है। इसमें मोज़रेला चीज़, वेजिटेबल्स सब है। आप इनको बच्चों को दें, उनको ऐसे ही बहुत पसंद आएगी, वेजिटेबल्स भी हो जाएंगी, हेल्दी भी है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो ये हमारी बेक वेजिटेबल्स तैयार है।